होंगे। सो गाइस आज के जिस ट्रेलर पे मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करूंगी वो मूवी पैन इंडिया है और इस मूवी का नाम है द केरला स्टोरी और ये ट्रू इवेंट्स पे बेस करती है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है दीप्तू सेन ने और इसमें जो लीड रोल प्ले करेंगे वो है अदा शर्मा। तो अभी चलते हो चलते पहले इसका ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। सो गाइस ये कर दिया है मैंने द केरला स्टोरी ऑफिशियल ट्रेलर प्ले। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS kab join kiya? Ye janne ke liye kyun join kiya aur kaise join kiya ye janna zaruri hai. ISIS इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। शालिनी शादी कर ली। फातिमा दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। अमेजिंग था ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ द केरला स्टोरी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस ट्रेलर देखने के बाद मैं कंप्लीटली शॉक में हूँ। बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर था, उसके साथ जो ट्रू स्टोरी है ये मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम ये जानी है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के। जो सीन्स थे, जिस तरह से पूरी स्टोरी चली आगे के एक हिंदू लड़की जो केरला में थी, 3 लड़कियां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की रह रही है और वो पूरा उसका एक एजेंडा है पीछे जिसके मकसद से वो है कि उनको लड़कियों को कन्वर्ट कराना है और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान लेके जाया जाता है, जिस तरह ट्रैक करके शादी करवा दी गई कन्वर्ट कराकर। और अब उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है, उनको ISI ज्वाइन कराया जा रहा है। सो ये देख के वाकई बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए देखना, लेकिन जिन पे ये गुजरी होगी उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मैं ये बस कहूँगी कि ये वाकई सिर्फ केरला में नहीं है बल्कि एक बहुत ही तल्ख हकीकत अभी भी इवन पाकिस्तान में। मुझे कोई उसमें डर नहीं है इस बारे में बात करते हुए, बल्कि आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ दिस कि अब भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज में जो हिंदू लड़कियां होती हैं उन्हें जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जिसे हम जमींदार या जागीरदार कहते हैं,
वो क्योंकि वो पावरफुल होते हैं तो गरीब हिंदू लड़कियों को किडनैप करते हैं, उनके घर वालों को मारने की धमकियां देते हैं और उनको कन्वर्ट कराते हैं इस्लाम पे, उन्हें मुस्लिम बनाते हैं। और कहीं पे भी इस्लाम की ऐसी कोई टीचिंग नहीं है, इस्लाम में कहीं नहीं है कि आप जुल्म और जबर करें, जबर से इस्लाम कन्वर्ट कराएं। इस्लाम आपको ये तालीम नहीं देता। इस्लाम में पीस है और इस्लाम कभी भी तलवार के जोर पे नहीं फैला था। जो लोग ये करते हैं वो बिल्कुल भी उनका इस्लाम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने जो उनके अजायम होते हैं, अपने वैसे इंटरेस्ट जो होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए करते हैं। और मेरी बस यही दुआ है कि सिस्टम तो बिल्कुल ही, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत ही बेकार है, जो कि इस बात पे चुप रहता है और इस चीज़ को दबाया जाता है। लेकिन बस दुआ कर सकते हैं कि ऐसे लोग, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो और किसी भी इंसान पे जुल्म करते हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, खुदा उनको नेस्तो नाबूद कर दे, उनकी हस्ती को मिटा दे, ताकि कोई भी मासूम जो है वो उनका शिकार ना बन सके। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और मैं ये मूवी जरूर देखूंगी और आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ कि जरूर देखिए और अपने बच्चों को भी लाजमी दिखाइएगा, ताकि उनमें अवेयरनेस आए और वो कभी भी किसी भी तरह ऐसे ट्रैप्स का हिस्सा ना बने। सो गाइस, आई होप आप लोग को मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। और ट्रेलर तो मैं बोल ही नहीं सकती कि ये ट्रेलर पसंद आया या नहीं आया, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि ट्रेलर इतना ज़बरदस्त है कि रोंगटे खड़े कर दे। तो ज़रूर आप सबको भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने बोला है आई होप कि वो जितना आगे पहुँच सके वो उतना ही अच्छा है, किसी के भी काम आ सके। सो मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।